రంజాన్ పండుగ పురస్కరించుకుని ప్రకాశం జిల్లా పెద్దదోర్నాలలోని ముస్లింస్లు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో రంజాన్ పండుగను జరుపుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ముస్లిం మత పెద్ద ఖురాన్ బోధించారు. పెద్దదోర్నాలలోని ముస్లింలు చిన్నలు పెద్దలు ఎంతో భక్తి పారవశ్యంతో రంజాన్ పండుగను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता जो लोग कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, ईद पढ़ते हैं, उन लोगों की नहीं. ऐसे लोग अभी हैं आज हमारे माशरे में 500 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, खुदा की कसम, जिन्हें वजू के फर्दा तक मालूम नहीं है, जिन्हें गुसल के फर्दा मालूम नहीं है, 500 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. पूछो, 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, आज तक कभी सौ सद्दा नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? इमाम साहब करते हैं कभी कभी, माशाल्लाह उलमा नमाज पढ़ते हैं, उलमा करते हैं. 40 साल से नमाज पढ़ता है, 20 साल से नमाज पढ़ता है और समझता है कि माशाल्लाह मेरी नमाज मुकम्मल है, कामयाब है. लेकिन इतना मालूम नहीं है कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिबात क्या है, नमाज में सुन्नतें क्या है, नमाज में मुस्तहबात क्या है, नमाज कब तोड़ती है, नमाज में सौ सजदा कब वाजिब होता है. समझे, जिसकी एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को बड़ी पाबंदी के साथ गुजारा. रोजों की भी बड़ी गर्मी सख्त थी, हालात थे, फिर भी माशाअल्लाह अल्लाह के लिए रोजा रखा है. तरावी की भी बड़ा एहतमाम फरमाया. तेरी इफ्तारी भी करे, जो अल्लाह ने नेकी का मौका दिया सब करे, लेकिन करने के बाद कभी कभी नेकी करने के बाद इंसान के दिल में घमंड भी आ जाता है.